सुल्तानपुर एनकाउंटर पर सवाल खड़ा करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इसे फर्जी करार दिया है। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने ट्वीट कर सवाल उठाए हैं, लेकिन जब अपराधी यूपी में खुलेआम वारदातों को अंजाम देते हैं तो अखिलेश यादव कुंभकर्णी नींद सो जाते हैं। जबकि सूबे में जब दरिंदे बहन बेटियों के साथ दरिंदगी की वारदात को अंजाम देते हैं तो वहीं योगी की पुलिस दरिंदों का एनकाउंटर करती है, मौत के घाट उतार देती है, गोलियों की बरसात कर देती है तो विपक्ष बेचैन हो जाता है। नमस्कार, प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ी बहस और सबसे बड़ा सवाल लेकर हाजिर हूं। मैं पराग गुप्ता और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। आज बड़ी बहस में बात होगी अपराधियों से अखिलेश का प्रेम, वोट का गेम। दरअसल सदन में योगी आदित्यनाथ और अखिलेश यादव के बीच में गर्मा गर्मी तो आपको भली भांति याद होगी। अखिलेश यादव ने माफियाओं पर सवाल पूछा था तो योगी आदित्यनाथ ने एकदम सटीक जवाब देते हुए कहा था कि प्रदेश में अपराधियों की खैर नहीं, उन्हें मिट्टी में मिला देंगे। योगी सरकार में यूपी में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। अखिलेश यादव ने सुल्तानपुर एनकाउंटर पर सवाल उठाए, उन्होंने कहा कि जाति देखकर जान ली गई है। चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि सपा मुखिया ने क्या लिखा। दरअसल अखिलेश ने अपने लंबे चौड़े एक्स पोस्ट में लिखा कि लगता है सुल्तानपुर की डकैती में शामिल लोगों से सत्ता पक्ष का गहरा संपर्क था, इसलिए तो नकली एनकाउंटर से पहले मुख्य आरोपी से संपर्क साधकर सरेंडर करा दिया गया और अन्य सपक्षीय लोगों के पैरों पर सिर्फ दिखावटी गोली मारी गई और जात देकर जान ली गई। तो यह एक्स पर पोस्ट अखिलेश यादव की तरफ से किया गया और इसमें एनकाउंटर पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। तो अखिलेश यादव की तरफ से और समाजवादी पार्टी के नेताओं की तरफ से इस एनकाउंटर को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और जाति की बात कही जा रही है। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जो मारा गया है उसकी जाति देखकर उसे मारा है और ड्रामेटिकली पैर में गोली उन लोगों की मारी गई है जिनको मारने की नीयत नहीं थी। कुछ इस तरीके का आरोप अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी का है। साठगांठ का आरोप भी अखिलेश यादव लगा रहे हैं। इससे पहले सबूत मिटा दिए जाएं, संगीन शासनीय अपराध पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले, ये मांग भी अखिलेश यादव कर रहे हैं। तो दो दिन पहले उसको उठाया गया, ये देखिए सिलसिलेवार तरीके से अखिलेश यादव बताते हैं। दो दिन पहले उठाया गया और एनकाउंटर के नाम पर हत्या कर दी गई, ये हत्या का आरोप अखिलेश यादव की तरफ से लगाया जा रहा है। मेडिकल रिपोर्ट बदलवाने की कोशिश का भी आरोप लगाया अखिलेश ने, कहा कि इससे पहले सबूत मिटा दिए जाएं, एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट इस पर संज्ञान ले, संगीन शासनीय अपराध पर संज्ञान सुप्रीम कोर्ट ले, ये शासनीय अपराध यानी कि इसको अपराध की श्रेणी में डाल रहे हैं अखिलेश यादव। और उन्होंने ये भी कहा कि ये हत्या की गई है शासन के प्रशासन के द्वारा, इस तरीके का आरोप अखिलेश यादव का है। तो ये एनकाउंटर पर अखिलेश यादव के सवाल हैं। मेडिकल रिपोर्ट बदलवाने की कोशिश का भी आरोप उन्होंने लगाया और ये भी उनको अंदेशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो साक्ष्य है, जो एविडेंस है, इसके मिटा दिए जाएं। तो इस तरीके के आरोप अखिलेश यादव की तरफ से लगाए जा रहे हैं।
और चलिए इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय कराते हैं, उसके बाद करेंगे बड़ी बहस में आज इसी मुद्दे पर चर्चा। हमारे साथ बीजेपी से नेता आरके मिश्रा जी हैं। आरके मिश्रा जी, आपका स्वागत है। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता यश भारती हमारे साथ हैं। यश भारती जी, आपका स्वागत है। आरके मिश्रा जी, शुरुआत आपके साथ कर रहा हूं आज इस टॉपिक पर। अखिलेश यादव ये अंदेशा जता रहे हैं कि कहीं साक्ष्यों के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, छेड़छाड़ ना हो, मेडिकल रिपोर्ट ना बदलवा दी जाए, इस तरीके का अंदेशा जताते हुए उन्होंने ये मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और उन्होंने इसे शासनीय अपराध की श्रेणी में डाल दिया है एनकाउंटर को। कैसे देख रहे हैं आप, पहला रिएक्शन आपका? पराग जी, देखिए 2017 से पहले जो प्रदेश की जो कानून व्यवस्था थी वो क्यों चरमराई हुई थी, अब ये समझ में आ रहा है जी। हम लोगों को तो पहले ही समझ में आ रहा था, लेकिन जनता को अब समझ में आ रहा, क्योंकि किस तरह से प्रदेश की कानून व्यवस्था थी। पहले जाति और धर्म को देख करके पहले कार्रवाई होती थी। हमने जिस तरह से देखा है, क्योंकि 2017 से पहले जो FIR था वो भी नहीं लिखा जाता था, क्योंकि अगर कुछ जाति से अगर आप बिलोंग करते हैं आपको आपका कोई FIR नहीं लिखा जाएगा। अगर विशेष समुदाय से अगर आप जुड़े हुए हैं, आपका धर्म अगर अलग है, तो निश्चित तौर पर आपका FIR नहीं लिखा जाएगा। ये व्यवस्थाएं थी 2017 से पहले, और 2017 के बाद जो कानून व्यवस्था बनी है इसमें ना जाति को देखा जा रहा है ना धर्म को देखा जा रहा है, सबके लिए एक जैसा कानून है। और निश्चित तौर पर मुझे लग रहा है जो कानून व्यवस्था के लिए 2017 के बाद जिस तरह से प्रदेश के अंदर में जो व्यवस्थाएं स्थापित हुई है, जो बिल्कुल बदलाव आया है, वो कहीं ना कहीं जनता भी महसूस कर रही है। लेकिन जिस तरह से मंगेश यादव का हमने देखा, जो किस तरह से वो 1 लाख का इनामी बदमाश था, और भारत जी सर्राफा के यहाँ मिनटों में उन्होंने करोड़ों का वहां पर डकैती करी और डकैती करके फरार हो गया, अब उसके लिए जो आंसू बहाना है और उसके यहाँ जा करके जो जिज्ञासा है वो करने की जो यहाँ पर चाहत है समाजवादी पार्टी का, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था जो 2017 से पहले थी अब प्रश्नचिन्ह जरूर, उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर में अब प्रश्नचिन्ह जरूर लग रहा है जी। क्योंकि जिस तरह से हमने देखा, जो कि इस तरह से आंसू बहाना, इस तरह से वहां जाकर के जिज्ञासा करना, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल उनके क्रेडिबिलिटी के ऊपर में प्रश्नचिन्ह लगता है। ठीक है यश भारतीय जी, ये वही पुलिस है जब आप घटना होने के बाद आरोप लगा रहे थे इस पुलिस के ऊपर कि साहब देखिए किस तरीके की व्यवस्था है कानून की, कि अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं और वारदातों को अंजाम दे रहे हैं, शासन पर सवाल उठा रहे थे। अब जब पुलिस ने कार्रवाई की तो फिर उसी पुलिस के एनकाउंटर पर भी सवाल अखिलेश यादव उठा रहे हैं। सर, ये दोहरा मापदंड क्यों आखिर? यश जी, नहीं, दोहरा मापदंड नहीं है, आप पूरी क्रिमिनोलॉजी को समझिए जो इनकी व्यवस्था है। अब देखिए ये तो क्या है, वर्तमान में सरकार में सत्ता में भारतीय जनता पार्टी के लोग सवाल अपन से आज पे पूछेंगे, ये इतिहास की बातें करने लगे, ना वर्तमान की बात करेंगे ना भविष्य की बात करेंगे, ये बात करेंगे हमेशा इतिहास की। और इतिहास इन काली टोपी पहनने वालों का कितना खराब है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सुल्तानपुर की जो घटना हुई वो 28 अगस्त को 1.5 करोड़ की डकैती होती है, 3 सितंबर को पुलिस ने आरोपी सचिन सिंह पुष्पेन सिंह त्रिभुवन को गिरफ्तार किया, 5 सितंबर को मुख्य आरोपी जुलवीर सिंह ने सरेंडर किया, 5 सितंबर को मंगेश सिंह का एनकाउंटर कर दिया गया। ऐसा कैसे 3 या 4 सितंबर को गिरफ्तारी और सरेंडर हो रहा, 5 सितंबर को एनकाउंटर हो रहा है, और वो भी एक ही आदमी का सरेंडर जो मुख्य आरोपी ने कर दिया, तो पैसा वसूली और सारी चीजें होनी चाहिए। ये पांचवा आरोपी या आखिरी आरोपी जो बचा उसको आप सरेंडर करने की जगह या आप गिरफ्तार करने की जगह एनकाउंटर करते हुए दिख रहा है कि लीपा पोती और व्यवस्था किस तरीके की चल रही है। और ये पहली बार होने नहीं जा रहा है, मैं फिर बता रहा हूं, ये पहली बार नहीं होने जा रहा है। तिवारी एक व्यक्ति था जिसका एनकाउंटर भारतीय जनता पार्टी ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, उसको 1 करोड़ रुपए देना पड़ा, उसकी पत्नी को सरकारी नौकरी देनी पड़ी, क्या ये फेक एनकाउंटर नहीं था? उसी तरीके से गोरखपुर के अंदर होटल में एक व्यापारी रुका होता अपने व्यापार के सिलसिले में, पुलिस घुस करके उस व्यापारी को मार डालती है, ये फेक एनकाउंटर नहीं था। अभी चुनाव आचार संहिता चल रही थी लोकसभा की, उसमें एक व्यापारी अपने व्यापार से संबंधित पैसा लेकर के लौट रहा था, तो ये जांच के नाम पे, चेकिंग के नाम पे उसका पैसा लेकर के थाना प्रभारी ने रख लिया, पुलिस ने रख लिया, जब वो पैसा वापस मांगने लगा तो उसको धमकी दी गई कि तेरा एनकाउंटर कर दिया। तो ये तमाम घटनाक्रम ये गवाही देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में निरंकुश पुलिस,
या इनके सानिध्य में मिलजुल करके संगठित अपराध सरकार नहीं का यश जी, संगठित देखिए अपराध चल सवाल सवाल रहा ये है, है। सवाल ये है, आप तो कह रहे हैं कि एनकाउंटर फेक है या फर्जी है, या फर्जी तरीके से किया गया है या जानबूझकर किया गया है। सवाल आपके ऊपर उल्टा ये उठ रहे हैं कि आप अपराधियों का साथ दे रहे हैं, आपके नेता उनके प्रति सहानुभूति दिखा रहे हैं, क्योंकि कोई भी एनकाउंटर अगर होता है तो उसकी जांच भी होती है। मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई भी एनकाउंटर ऐसा हुआ होगा जिसकी कोई जांच ना हुई हो। ये बाकायदा एक प्रक्रिया होती है, प्रोसीजर होता है। आप ये तो सवाल उठा सकते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए या इसकी जांच नहीं हो रही है। अगर नहीं हो रही है तो आप ये भी सवाल उठाइए, अगर जांच नहीं हो रही है तो आप पूछिए कि जांच क्यों नहीं हो रही है, जांच तो हर एनकाउंटर की होती है। सवाल यहां पर आपके ऊपर ही खड़े हो रहे हैं कि आप अपराधियों का साथ क्यों दे रहे हैं। अगर किसी ने कोई घटना की है तो फिर पुलिस कार्रवाई भी करेगी, और अगर पुलिस कार्रवाई में पुलिस पर गोली पड़ेगी तो पुलिस भी जवाबी कार्रवाई में गोली ही चलाएगी। यश जी मुझे बताइए, बिहार की सीमा में बनारस मंडल के जब आई जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जाते हैं तो पूरा का पूरा थाना भ्रष्टाचार में लिप्त था। यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है ना, भ्रष्टाचार पूरा खाली करना पड़ता, उसको निलंबित करना पड़ता। ये तो पराग जी, जीरो मैं जवाब, मैं टॉलरेंस की जवाब दे अपनी रहा बात, हूं। अब ये अभी जीरो आप ये कह रहे टॉलरेंस थे कि हम वर्तमान की और भविष्य की बात कर रहे हैं, तो ये पास्ट में लेकर जा रहे हैं, ये अतीत में लेकर जा रहे हैं। अब आप भी फिर अतीत में लेकर जा रहे हैं, तो अंतर क्या रहा? हम मौजूदा वक्त में बात कर रहे हैं सर, मौजूदा एनकाउंटर पर बात कर रहे हैं, तो आपको भी फिर अगर जवाब उस पर सुनना है तो जवाब उस पर देना भी पड़ेगा ना। ठीक है, आपकी आवाज में कुछ डिस्टर्बेंस यश जी आ रहा है। मैं एक बार आरके मिश्रा जी से कमेंट ले लेता हूं, फिर आपकी आवाज को पहले हम दुरुस्त कर लेते हैं, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं वो क्लियर क्लियर नहीं आ पा रहा है। मैं आरके मिश्रा जी से एक कमेंट ले रहा हूं, फिर मैं आपके पास आ रहा हूं, जब तक हम आवाज आपकी ठीक करते हैं। आरके मिश्रा जी बोलिए। पराग जी देखिए, जो जिस तरह से ये अभी आजकल जो है ना, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये जाति जाति खेल रहे हैं, ये अभी जाति का अभी गेम चल रहा है। अरे 40 में से 56 SDR, आप ऐसे ही इनकाउंटर किसी को नहीं कर देंगे। जो घटना घट गई अब और पराग जी को मेरी आवाज नहीं आ रही ना, नहीं तो मैं इस बात का जवाब दूं। अब आ रही आप आवाज, ये अब आप जवाब दीजिएगा दे जवाब के दो। पास आऊंगा, अब आपकी आवाज क्लियर है सर। नहीं तो मैं ये सवाल उसी बात को उठा रहा हूं, मैं जवाब दे देता हूं। तो मुझे ये जवाब दे दे इस बात का कि गोरखपुर के अंदर जो होटल के अंदर पुलिस ने घुसकर व्यापारी को मारा, जांच रिपोर्ट में क्या निकल के आया? जवाब दे इस बात का। जो तिवारी का फेक अंदर तो यहाँ पर जिसके लिए जाति एक जाति करोड़ अरे यहाँ पर जाति जाति क्या कर रहे हैं आप? सरकार ने दिया। नहीं नहीं रमाकांत आपने जी क्या सुनिए ना, कहा, जवाब तो ही दो ना, आपने जवाब क्या तो ही कहा दो जो ना, कि यादव जवाब लेकर तो के ही यहाँ दो, पर उसको जवाब गोली मारी गई है, तो ही दे रहा, एनकाउंटर सुनिए, दिया गया जवाब है? तो ही देना है, नहीं, ये क्या है, जवाब ये क्या तो तरीका है? नहीं सुनिए, नहीं मुझे ये बताइए ना, तरीका ये होगा क्या जवाब तरीका आपको है, देना है, ये क्या तरीका जवाब है? आपको देना है, इनकाउंटर जवाब हुआ, आप सुनिए। जाति के ऊपर अच्छा आप एक एक जाति को करके लेकर बोल लीजिए बीच में आ प्लीज। गए। असल में पराग जवाब जी देने की क्षमता है नहीं है रमाकांत जी की, इसीलिए बात को घुमा रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ ये सीधा बात सवाल, घुमाने की ये नहीं जो है, फैक्ट मैं ये पूछ रहा आपने हूँ कहा कि इसमें एनकाउंटर की जाति जांच कहाँ आ होती गई? है, मैं पूछ अरे रहा पूछ हूँ रहा हूँ यहाँ एनकाउंटर पर की जाति जांच कहाँ होती से आ गई होती भाई? क्या है। अरे मैं पूछ रहा हूँ जाति कहाँ से आ गई, मुझे वो बताइए ना, इसमें जाति मैं कहाँ आ बताता गई? हूँ, सुनिए रमाकांत जी, सुनने की हाँ हिम्मत हाँ रखिए। बोलिए बोलिए, जब आप जाति कहाँ चुनाव से आ हार गई? जाते हैं, जब आप अभी लोकसभा में चुनाव, अरे सुनिए ना, जब आप चुनाव हार जाते हैं लोकसभा में तो जाति ढूंढ करके, धर्म ढूंढ के, सारे पदों से, मुख्य पदों से अरे लोगों को लोकसभा हटा चुनाव देते के हैं। बाहर आपको निकल लगता गए, है कि जाति लोकसभा बदलने चुनाव से हार बाहर निकल गए भाई, उसी लोकसभा तरीके से आप चुनाव लोग से मारते बाहर हैं। निकलिए, अरे क्या फिर आप लोग रमाकांत जी इतना डर क्यों उसी सवालों में से, घूम रहे हैं इतना क्या डर अभी तक? क्यों सवालों से, अरे उसी में घूम जवाब रहे तो हैं क्या आप ही आप को लोग? देना है। अभी तक अरे लोकसभा 40 में से 56 चुनाव घूम रहे हैं, अभी तक जाति के मतलब लोकसभा जाति चुनाव की में नहीं सूची घूम रहे हैं थी, जी, तो जाति की उससे बात बाहर तो निकल करते गए, हो, सारे ठीक है। थाने में अच्छा जाति मार थोड़ा पड़ा, सा पूरी रुकिए प्लीज, आप दुनिया लोग अब जाति थोड़ा सा रुक जाति जाइए से दोनों बाहर लोग, आर के निकलिए, मिश्रा जी अभी तक और आप यश लोकसभा भारती जी आप चुनाव दोनों में रुकिए घूम रहे प्लीज। हैं क्या अभी तक? ठीक है, एक सवाल यश जी मेरा आपसे ये है कि अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जाति देखकर एनकाउंटर कर दिया है, तो पत्रकारों की जाति भी तो फिर आप ही के नेता पूछते हैं ना सर, तो फिर वो जाति क्यों पूछते हैं? अगर बांटने की कोशिश आपकी पार्टी या आपके गठबंधन के सहयोगी नहीं कर रहे हैं, तो फिर पत्रकारों की जाति क्यों पूछी जाती है जब वो पत्रकार सवाल करते हैं? तो क्या जाति पूछकर ही आप सवाल का जवाब देंगे? पराग जी बहुत अच्छा सवाल किया, जवाब पूरा सुनिएगा, है ना, हम जवाब से भागते नहीं है या इतिहास में नहीं चले जाएंगे पीछे, 5 सरकारों के पीछे। जवाब अरे सीधा अभी आप सही गए है, थे, जब अब अरे अभी लल्ला गए जी हुए थे भाई, मिश्रा जी आप एक बार सुन लेते हैं, एक एक करके प्लीज। मैं जब भारती जी कंप्लीट कर लेंगे फिर मैं आपके पास आऊंगा, आप अपनी बात रखिएगा। आप भारती जी फिर बोलिए, तो कंप्लीट लल्ला करिए। जैसी हरकतें ना करिए। तो आपने जो सवाल किया जाति का,
हम जब जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, तो हम क्यों बात ना करें कि सब जगह हिस्सेदारी और भागीदारी होनी चाहिए, सब लोगों की नौकरियों में होनी चाहिए। जब ये प्राइवेट नौकरी को भी नौकरी में गिनते हैं तो रोजगार में गिनते हैं, तो हर जगह प्रतिनिधित्व हिस्सेदारी होनी चाहिए ना सब लोगों की। हम तो वही बात कह रहे हैं कि मीडिया जगत में भी बुराई की तरह सारी जातियों का हक अधिकार मिलेगा, प्रतिनिधित्व मिलेगा, हिस्सेदारी मिलेगी, क्यों वंचित रह रही है दूसरी जातियां। हर जगह पे सबको हिस्सेदारी भागीदारी मिले ना, तभी ठीक तो है, सबके साथ सबके विकास और सबका विश्वास मानी होगा। चाहिए आप लोगों लेकिन की बात। भारतीय जन अरे अरे सर मानी चाहिए, सर मानी चाहिए आपको, जाति में बांट रहे हैं आप, अरे देश को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, अरे सर मानी चाहिए, बेशर्म है आप लोग, आप लोग बेशर्म है, कमी जाती है। ठीक है, प्लीज नहीं, बेशर्मी की निजी हद है, आरोप मत लगाइए सर, ऐसी भाषा क्यों बेशर्मी इस्तेमाल करें। शुरुआत रमाकांत जी ने करी, ठीक है, है खत्म करिए प्लीज। देखिए ऐसे किसी की कोई निजी लड़ाई नहीं है सर, अपनी अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं सभी लोग आप, ठीक है, एक एक करके रख लें अपनी बात, ठीक है। चलिए मैं ठीक है, मैं मिश्रा जी के पास जाकर एक सवाल ले रहा हूँ, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है सर, बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे उम्मीद है यश भारती जी आप बड़ी गंभीरता से उस प्रश्न को सुनेंगे भी, और हो सकता है कि आप भी फिर उस पर बोले, ठीक है। मैं मिश्रा जी से एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल ले रहा हूं, भारती जी मुझे उम्मीद है कि आपको भी सवाल अच्छा लगेगा और आप उस पर बोलना भी चाहेंगे। पहले मैं मिश्रा जी से जवाब ले लूं। मिश्रा जी सवाल यह है कि अब 10 सीटों पर उपचुनाव आ रहा है, चुनाव आ रहा है तो तैयारी तो सब पार्टी कर ही रही है। इससे पहले जब लोकसभा का चुनाव हुआ तब आरक्षण के मुद्दे पर आप लोगों को खूब घेरा विपक्षी पार्टियों ने, और उसका खामियाजा भी आपको भुगतना पड़ा। अब भले ही आप ये कहें कि अफवाह उड़ाने की कोशिश किया, जो कुछ भी किया डिफीट तो आपको मिला, क्या इस बार भी 10 सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी को घेरने की यह तैयारी है विपक्ष की? और अगर है और आप इसको भांप रहे हैं तो इसकी काट आप लोगों के पास क्या है? मिश्रा जी पराग जी बहुत अच्छा प्रश्न किया। निश्चित तौर पर हम अभी भी कह रहे हैं, क्योंकि सबका साथ सबका विकास हमारा जो ये कमिटमेंट है, ये ऐसे नहीं है, ये हम कोई नारा नहीं दे रहे हैं। ठीक बात है, लोकसभा के चुनाव में जो आंकड़े आए वो कहीं ना कहीं जो हमारे विपक्षी थे, विपक्षी पार्टियां थी, कहीं ना कहीं नैरेटिव सेट करने में सफल हुई, और इसमें कोई दो मत नहीं है इसको स्वीकार करने में। लेकिन निश्चित तौर पर 10 सीटों के ऊपर में जो उपचुनाव है, हमने हमेशा से ही ये कहा है, क्योंकि हम सबको साथ लेकर के चलने वाले व्यक्ति हैं, आरक्षण के मुद्दे पर जिस तरह से विपक्षी पार्टियां नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है, मुझे लगता है जो कि वो नैरेटिव लोकसभा चुनाव के अंदर में खत्म हो गया। अब वो जो आगे हम लोग इस चीज का जो ये कर रहे हैं, उपचुनाव की तैयारी कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उसमें एक अलग परिपेक्ष होगा, जनता भी एक अलग तरीके से सोचेगी, क्योंकि अभी भी विपक्षी पार्टियां लोकसभा के उस चुनाव से 4 जून के जो रिजल्ट है उसमें से बाहर नहीं निकल पाई है। तो मुझे लगता है अभी बाहर निकल जाइए, और मेरा आग्रह है क्योंकि 10 सीटों के ऊपर में जो उपचुनाव है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आप जो रिजल्ट देखेंगे, इसका जो प्रतिफल देखेंगे वो कुछ अलग ही नजर आए। ठीक है, यश भारती जी नैरेटिव सेट करने की कोशिश आप लोग इस बार जातियों के आधार पर भी कर रहे हैं क्या? देखिए आप ये प्रश्न मुझसे पूछ चुके थे, मैं दोबारा उस बात है, जातीय जनगणना की हम बात कर रहे हैं, हिस्सेदारी भागीदारी की बात कर रहे हैं, लेकिन अपराधी की तो कोई जाति नहीं होनी चाहिए सर। सुन लीजिए ना, अभी आपने सवाल क्या किया, मैं जवाब दे रहा हूँ उस चीज का। हाँ। फिर आप दूसरा सवाल कर लेंगे तो ये सवाल का जवाब नहीं हो पाएगा। आज का टॉपिक तो वही है ना जो मैंने पूछा, ठीक है ना, लेकिन जो अभी आपने सवाल किया वो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। अयोध्या फैजाबाद से जो अनरिजर्व सीट है, जो सामान्य लोगों के लिए, सामान्य में सभी आते हैं, विशेष कोई जाति नहीं आती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी सामान्य सीट से अनुसूचित जाति जनजाति या किसी भी आरक्षित वर्ग के व्यक्ति को नहीं दिया। हमने अवधेश प्रसाद जी को उतारा और जनता ने स्वीकार किया और बहुमत दिया। तो ये हमारे सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास तो हम लोग लेके चल रहे हैं। हम सबको हिस्सेदारी सबको भागीदारी देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके से ये जो टीचर भर्ती में आरक्षण का घोटाला किया है, जो आरक्षण खा गई है, वो सारे ओबीसी नेताओं के जा रहे, चाहे भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष हो, कल उनके घर के बाहर भीगते रहे लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था, केशव प्रसाद मौर्य जी हो, चाहे निषाद जी हो, चाहे ओपी राजभर जी हो, अनुप्रिया पटेल जी हो, जितने ओबीसी वर्ग के नेता हैं जो चुनाव में आरक्षण की बात करते थे, आरक्षण की दुहाई देते थे, आरक्षण को खत्म करने नाश करने और आरक्षण देने की बात करते हैं, उन सबके दरवाजे पे जा रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी व्यक्ति इन लोगों की बात सुनने नहीं आ रहा है, जबकि हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जिसको संवैधानिक अधिकार देने का काम भारतीय जनता पार्टी बड़ा डंका बजा के कहती हमने दिया, तो वही है ना सर, वो कह रहे हैं कि हम
सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं और आप जातियों में बांटने की बात कर रहे हैं, सवाल घूम कर वहीं आ जा रहा है। आरक्षण आरक्षण सबका विकास सबसे चालू है और ये उसको खाना चाहते हैं, यही तो हमने जनता के बीच में पेश किया पीडीए की अवधारणा को लेकर माननीय अतुल यादव जी ने। ठीक है, चलिए समय समय कम है, एक एक फाइनल रिएक्शन में अब आपने जो बातें कही उस पर मिश्रा जी से ले लूं। मिश्रा जी, पीडीए की बात फिर से अखिलेश यादव कर रहे हैं, कह रहे हैं इस बार भी चलेगा पीडीए। देखिए, पीडीए करने की बात जरूर कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की ये लोग बात करते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। मुझे खाली इतना बता दें, जब जब ये प्रदेश के अंदर में सरकार में रहे, ये सामाजिक न्याय के लिए, ये पिछड़े वर्गों के लिए क्या किया इन्होंने, मुझे यही बता दें, चार काम गिना दें, जवाब दे दूं, बिल्कुल मैं जवाब दे दूं, चार काम गिना दें। चलिए बहुत जल्दी से भारतीय जी, बहुत बहुत संक्षेप में रखिएगा, बहुत जल्दी से संक्षेप में। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, एक्सप्रेस वे पे हर व्यक्ति चलता है बिना जाति बिना धर्म देख करके, ये हमारा सबका साथ सबका विकास है। मेट्रो सब लोग चलते हैं, 18 लाख लैपटॉप सब चलते हैं, 5 करोड़ पौधे लगाए, ऑक्सीजन सब ले, पर्यावरण को लेकर एशिया का सबसे बड़ा पार्क की बात कर रहा हूँ भाई, इसमें सब अरे चाहिए आपको, अरे लल्ला मेरे की बात करिए, सबकी बात कर रहे हैं, मैं की बात करिए ना, आप कुछ पीड़ित 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 दुखी अगर भी है, पीड़ित दुखी की बात करिए ना, तिवारी कर दीजिए, अरे अपराधियों को बुलडोजर भी चलेगा, भी चलेगा, इनकाउंटर भी होगा, अपराधियों को इनकाउंटर भी होगा। अभी समय आज के लिए मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, आज के लिए समय इतनी इजाजत दे रहा है चर्चा के लिए। आप दोनों जुड़े, आर के मिश्रा जी आपका बहुत शुक्रिया और यश भारती जी आपका बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया अपना अपना समय इंडिया न्यूज की इस चर्चा के लिए देने के लिए। तो एनकाउंटर पर सवाल लगातार अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी की ओर से उठाए जा रहे हैं। हालांकि जब राजनीति होती है किसी भी मुद्दे पर और चुनाव नजदीक हो तो बहुत ज्यादा रिएक्शंस, बयानबाजी, आरोप प्रत्यारोप और पलटवार होते हैं। इस मुद्दे पर भी कुछ वही देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले की दिशा कहां तक पहुंचती है ये देखना होगा। अभी के लिए बड़ी बहस से हमें नहीं इजाजत, बाकी खबरों के लिए आप बने रहे।